बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की दावों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। सासाराम के सदर अस्पताल की बेशर्म स्वास्थ्य व्यवस्था की हैरान करने वाली तस्वीर देखिए। देखिए कैसे एक भाई अपनी घायल बहन को पीठ पर लादकर अस्पताल में इधर से उधर भटक रहा है। यह लाचार परेशान भाई शिव सागर थाना क्षेत्र के तेलड़ा गांव का रहने वाला है। सुनील कुमार रजक की बहन बाइक से चोट लग जाने के कारण घायल हो गई थी। अपनी बहन का इलाज कराने के लिए बेचारा भाई सुनील कुमार रजक अपनी बहन को पीठ पर उठा लिया, लगभग 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर सदर अस्पताल पहुंच गया। लेकिन सदर अस्पताल में उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। अस्पताल में वह इस वार्ड से उस वार्ड तक, एक्सरे हाउस से लेकर रसीद काउंटर तक अपनी बहन को पीठ पर ही लेकर घूमता रहा। उसे स्ट्रेचर की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। किसी स्वास्थ्यकर्मी ने उसकी सहायता करने की जहमत नहीं उठाई। वह स्ट्रेचर के अभाव में अपनी बहन को पीठ पर लेकर अस्पताल के परिसर में घूमता रहा। पूछे जाने पर बाद में अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर भगवान सिंह ने बताया कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। अब तो हमें कोई जानकारी नहीं थी, आप लोगों को जरा बताया गया, हमने वीडियो भी देखा, तो ये मेरे संज्ञान में आया है और इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूँगा। जो भी गलती होगा उसको दंड मिलेगा ही। स्टेशन उपलब्ध है ना? प्राप्त एकदम उपलब्ध है। तो प्राप्त होने के बाद भी सर क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब नहीं दिया जा रहा है तो जो दोषी होगा उसी पर ना कार्रवाई होगी। क्यों नहीं दिया जबकि सख्त निर्देश है कि मरीज को ये सुविधा देना है। स्ट्रेचर है, व्हील चेयर है, ज़रूरत पड़ने पर वार्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए एम्बुलेंस भी आता है। एम्बुलेंस ACU चलाता है सरकार का, मेरे सदर अस्पताल में कोई एम्बुलेंस नहीं है। वो ACU चलाता है और उसको फ़ोन करने पर एम्बुलेंस खाली रहने पर भेजता है। अब इसे अस्पताल अधीक्षक साहब की बेपरवाही कहें या लापरवाही, सदर अस्पताल परिसर में कोई मरीज घंटों भटकते रहा और अस्पताल अधीक्षक को पता नहीं। किसी लाचार को सहायता की ज़रूरत है तो अधीक्षक साहब को अपनी व्यवस्था पर शर्म करनी चाहिए और तुरंत दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे यह सिर्फ सासाराम सदर अस्पताल की बात नहीं, पूरे बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल यही है। विमर्श न्यूज़, सासाराम।